सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक लॉजिक। बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड और टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट जो है ना सेम है, जिस जगह पे भी इन दोनों की बात की जाए तो आपने समझ लेना है इन दोनों का लॉजिक जो है सेम है। तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और भी बहुत ज्यादा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मॉनिटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, मटेरियल कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, गोइंग कंसर्न, काफी कॉन्सेप्ट है। उन पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा उनका, तो आप उधर से जाकर वॉच कर सकते हैं या चैनल पर विजिट करके आप उधर से जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता था कि जो आपने रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंटिंग की, आपने माइंड में परसेप्शन रखनी है कि जो आपका बिजनेस है ना वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं है, वो आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, वो हमेशा चलता रहेगा। आपने ये नहीं सोचना कि 10 साल 20 साल बाद ये बंद हो जाएगा, इस माइंड में परसेप्शन रख के आपने इस चीज अकाउंटिंग नहीं करनी। आपने ये रखना है कि ये जो बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा, इस चीज को फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा था। तो आपने अभी ये जो इस चीज को आपने फॉलो करना है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो रिकॉर्डिंग है ना आपने डिवाइड कर लेनी है, या तो पर्टिकुलर ईयर की, मतलब जितनी एक साल के अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, या आप सेमी एनुअली कन्वर्ट कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपने एक साल ले लेना है, या तो फाइनेंशियल ईयर को कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं, कुछ कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च के ऊपर एंड होता है। तो काफ़ी कंपनी डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं, कोई नेचुरल ईयर को फॉलो करता है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कंपनीज पे, या उनके मुल्क पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें कहते हैं कि कौन सा आपने अकाउंटिंग के लिए किस ईयर को फॉलो करना है। तो ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो एक पीरियड की ट्रांजैक्शन है वो आपने उसी पीरियड के दौरान करनी है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। आपका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होगा साल का, आपने देखना है कितनी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कितनी आपने परचेजेस की, कितने आपके डेट्स हैं, कितने आपके क्रेडिटर हैं, कितनी आपने सैलरीज दी। तो ये सारी जब आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस किस पीक पर पहुंचे है, आपकी बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, और इजीली जो गवर्नमेंट है वो डिटेक्ट कर लेती है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लागू होना है। तो ये बेनिफिट होता है कि टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड्स को डिवाइड कर लेना है, और जितनी बिजनेस की लाइफ है, तो आपने देखा ना बिजनेस की बहुत ज्यादा लाइफ है, चलता रहेगा। तो आपने ये नहीं कि अभी इतनी ज्यादा, आपने डिवाइड करना है पीरियड के हिसाब से कि एक साल की रिकॉर्डिंग करनी है, फिर एक साल खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर की रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस तरह टाइम पीरियड डिवाइड कर लिए। क्वार्टरली भी कुछ लोग करते हैं, कुछ कंपनीज मंथली भी करती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज को फॉलो कर रही है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि आपने रिकॉर्डिंग जो है साथ साथ एक अकाउंटिंग पीरियड में करनी है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।